भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की ओर से नगर निगम जलंधर स्थित पंजाब राज्य म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कर्मचारी दल के कार्यालय में 17 अक्टूबर को मोहल्ला संग्रह से निकलने वाली भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए भावाधस के राष्ट्रीय संचालक सुभाष सौंधी ने बताया कि इस शोभा यात्रा में अकाली दल के प्रधान एवं उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने उप मुख्यमंत्री द्वारा शहर के विकास कार्यों के लिए धन्यवाद भी व्यक्त किया। बैठक में भावाधस पंजाब के कन्वीनर अशोक भील, पंजाब प्रधान विपिन सभरवाल, महासचिव जितेंद्र निक्का, राष्ट्रीय निर्देशक बिशनदास सहोता और राजेंद्र सभरवाल भी मौजूद थे। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज राष्ट्रीय संचालकों के नाते सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि महाराज की महला संग्रह करो 17 तारीख शोभा यात्रा निकल रही है और जिला अकाली दल के प्रधान सरदार गुरचरण सिंह चन्नी जी की मेहनत सदका कि जरा कि उन्होंने बड़ी मेहनत के नाल सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब को जलंधर शोभा यात्रा लिया सानू टाइम दिता और मैं सरदार गुरचरण सिंह चन्नी जी का तह दिल धन्यवाद करता। जय हिंद, जय भारत, जय वाल्मीकि। जो प्रभु पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज की देशा विदेशा 17 अक्टूबर जिहड़ा दिहाड़ा मनाया जा रहा वा उसके पक्ष के जलंधर की पवित्र धरती से हर साल की तरह साडा जिहड़ा पूरा वाल्मीकि समाज आ एक विशाल शोभा यात्रा संग्रह महल भगवान वाल्मीकि मंदिर तो आशीर्वाद लैके सारे शहर की परिक्रमा करते हैं। वो सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ने डिप्टी सीएम ने यह सानू भरोसा दिता वा कि मैं सारे हजेमे छड़ के प्रभु पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि का महाराज का उस दिन पहुँच के परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करांगा। सानू आश्वासन दिता 17 तरीक न भगवान वाल्मीकि मंदिर संग्रह महल से पहुँच के भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और पूरे शहर की परिक्रमा करेंगे। असी बहुत ही दिलों धन्यवाद करते हैं गुरचरण सिंह चन्नी का जिन्होंने सुखबीर बादल जी को सानू ये टाइम लैके दिता। जय वाल्मीकि।